सो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज मैं कैमरा टेस्टिंग करने आया हूँ आईको नियो 7 प्रो का। इसी का मैं फ्रंट कैमरा भी यूज़ कर रहा हूँ शूट करने के लिए। अगेन एक सबसे पहले डिसअपॉइंटमेंट वीडियो के शुरू में ही कि फ्रंट में सिर्फ 1080p का ऑप्शन है। 35,000 के बीच में भी अगर आप पैसे खर्च कर रहे हो 4K का ऑप्शन नहीं मिल रहा, जो एक माइनस पॉइंट है। एनीवेज ये क्वालिटी है फ्रंट कैमरा की, ऑडियो भी आप सुन सकते हो। एक और चीज़, यहाँ पे मुझे कोई ऑप्शन नहीं दिखा अभी, जैसे आप मैं चल रहा हूँ आपको थोड़ा शेक दिख रहा होगा, तो फ्रंट कैमरा में कुछ स्टेबिलाइजेशन का ऑप्शन नहीं है, जिस वजह से अगर आप व्लॉगिंग के लिए फ़ोन देख रहे हो तो कहीं ना कहीं शेक अगर आपको देखने में लग रहा है कि ठीक है तो देन इट्स फाइन, बट मुझे लग रहा है कि शेक थोड़ा सा ज़्यादा है। बाकी अब और चीज़ें एक्सप्लोर करते हैं इस फ़ोन में, देखते हैं कि क्या क्या कैमरा मोड्स मिलते हैं और कैसी क्वालिटी है। अब आईको नियो 7 प्रो में इन टोटल हमें 3 कैमराज मिलते हैं। बाय द वे पीछे की तरफ जो डिज़ाइन है वो काफ़ी प्रोफेशनल लगता है, और स्पेशली ऑरेंज कलर मैंने ऑर्डर किया था बिकॉज देखने में काफ़ी बढ़िया है। तो पहला कैमरा है 50 मेगापिक्सल का स्टैंडर्ड कैमरा, देन अल्ट्रा वाइड एंगल 8 मेगापिक्सल का है, और जो तीसरा है दैट इज 2 मेगापिक्सल मैक्रो कैमरा। और एक और इंपॉर्टेंट चीज़, आने वाले कुछ दिनों में नथिंग फोन 2 और OnePlus Nord 3 के भी कैमरा टेस्टिंग आने वाले हैं, तीनों के कंपेरिजन भी आने वाले इस चैनल पर। तो अगर आप नए हो यू कैन सब्सक्राइब टू दिस चैनल। तो सबसे पहले बात करते हैं स्टैंडर्ड कैमरा के परफॉर्मेंस की, जो 50 मेगापिक्सल का है। तो पहले हमने स्टैंडर्ड मोड में काफ़ी फोटोज ली, यहाँ पे आप सैंपल्स भी देख सकते हो। और बढ़िया चीज़ यह है, इस वीडियो से आप जितने भी हम कैमरा रिव्यूज़ करेंगे उसके जो सैंपल हैं वो आपको गूगल ड्राइव लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सबसे पहले अगर मैंने जो चीज़ नोटिस करी स्टैंडर्ड फोटोज़ में वो थी कॉन्ट्रास्ट, और मुझे ऐसा लगा कि जो शेडो एरियाज़ है ना, जहाँ लाइट कम है, जो डार्क एरियाज़ हैं वो और ज़्यादा डार्क अपीयर हो रहे हैं, जिस वजह से फोटो में कॉन्ट्रास्ट ज़्यादा अपीयर होता है। तो अगर आप ये सैंपल्स देखोगे यहाँ पर जहाँ भी शेडोज़ है ना वो बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रास्टी लुक दे रहा है, और कहीं ना कहीं शेडो में जो डिटेल है वो ख़त्म हो जाती है। तो ऑल ओवर जो डायनामिक रेंज है ना वो भी इससे कहीं ना कहीं थोड़ा सा एवरेज बन जाता है। तो जो हमने फोटोज़ ली जहाँ स्काई भी था, फोरग्राउंड भी था और मिक्स एनवायरनमेंट था, और वहाँ पे मुझे ऐसा लगा कि हाईलाइट तो सही से कैप्चर हो रही है बट जो शेडो एरिया है वो डार्क अपीयर हो रहा है। बट ओवरऑल इसका जो स्टैंडर्ड कैमरा है उसकी क्लैरिटी, शार्पनेस और डिटेल काफ़ी बढ़िया है, क्योंकि आईको का हमेशा से रहा है प्राइमरी कैमरा काफ़ी स्ट्रांग होता है, और इस बार भी अगर आप फोटोज़ में डिटेल देखोगे ना बहुत बढ़िया निकल के आती हैं। तो ये है कि अगर आप ये डायरेक्ट फोटोज यूज़ करना चाहते हो ना, आप सोशल मीडिया पे यूज़ कर सकते हो। और वहाँ से आते हैं कलर्स पे। कलर्स देखो, एक मिक्स्ड रिएक्शन मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, कहीं आप लोगों को शायद लगे कि बूस्टेड कलर है, कहीं को लगे कि नेचुरल है, पर मेरे हिसाब से कलर थोड़े पंची हैं। तो अगर आपको ऐसी फोटोज चाहिए होती है ना कि भाई सीधा खींची और सोशल मीडिया पे डाली और कलर्स अच्छे वाइब्रेंट चाहिए, तो वो आपको नियो 7 प्रो से बढ़िया मिल जाएगा। बट मेरे हिसाब से थोड़े से ओवर हैं, कम होता तो बेटर था शायद सॉफ्टवेयर अपडेट से। अगर आप में से कई लोग ज़्यादा बोलोगे तो ब्रांड शायद उसको कम कर दे, बट अभी के हिसाब से कलर मुझे थोड़े से ओवर सैचुरेटेड लगे। उसके बाद इसके प्राइमरी कैमरा में आपको 2x जूम का भी ऑप्शन मिलता है, तो यहाँ पे आप कुछ फोटोज़ देख सकते हो। मुझे पर्सनली ऐसा लगा 2x में ज़्यादा है ना रेजोल्यूशन, एक तो बहुत बेकार हो रहा है, फोकस का मुझे कहीं ना कहीं दिक्कत लगी बिकॉज फोटोज़ मुझे उतनी शार्प लग नहीं रही। मतलब 10 में से 3 फोटो शार्प लग रही हैं, 7 ऐसा लग रहा है कि वो आउट ऑफ फोकस है या शार्पनेस नहीं है। तो मे बी सॉफ्टवेयर अपडेट में कुछ कुछ चीज़ें सही होनी अभी बाकी हैं। देन मूविंग ऑन टू अल्ट्रा वाइड एंगल, तो 8 मेगापिक्सल का आपको कैमरा मिलता है। अब यहाँ पे आप भी साथ में फोटोज़ देख सकते हो, तो ऑल ओवर मुझे ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड होता तो बेटर था। क्यों? बिकॉज इसके अंदर जो कैमरा है मुझे उतना शार्प नहीं लगा, डिटेलिंग उतना अच्छा नहीं है, और स्पेशली एजेस में पर्सनली मुझे लगा इस बजट में जहां 30,000 से ऊपर खर्च करते हो ना, एजेस थोड़े शार्प होने चाहिए। इस फोन में मुझे वैसा नहीं लगा, एजेस में सॉफ्टनेस है। इवन जो कलर्स है ना, प्राइमरी में जितने पंची कलर्स थे अल्ट्रा वाइड में मुझे लग रहा है सैचुरेशन उतना ही कम हो रहा है, तो कहीं ना कहीं कलर्स मुझे डल होते हुए लगे। बट यहाँ पे 2 चीज बढ़िया है, एक कि भाई इसका कॉन्ट्रास्ट काफी मैनेज हुआ है अल्ट्रा वाइड में, उतने शैडोज डार्क नहीं होते, जिस वजह से जो डायनामिक रेंज है वो अल्ट्रा वाइड एंगल फोटोज़ में काफ़ी बढ़िया निकल के आती हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि इसका जो डिस्टॉर्शन है वो अच्छे से कंट्रोल्ड है, तो कहीं लाइंस हैं या कोई ऐसे आप शूट कर रहे हो ना जहां अल्ट्रा वाइड में आपको चाहिए वो डिस्टॉर्टेड ना है, तो वो नियो 7 प्रो में काफ़ी कंट्रोल्ड है। अब बात करते हैं पोर्ट्रेट मोड की, तो ऑल ओवर मैं पोर्ट्रेट मोड से काफ़ी इंप्रेस्ड हूँ, और कुछ माइनस पॉइंट्स भी हैं, मैं दोनों चीज़ें आपको बताता हूँ। सबसे पहले कुछ तारीफ कर देते हैं, शार्पनेस स्किन में काफ़ी बढ़िया है, तो अगर आप पोर्ट्रेट ज़्यादा खींचते हो नियो 7 प्रो इज समथिंग दैट यू वुड पर्सनली लाइक, बिकॉज स्किन टोन मुझे हल्के वार्म साइड जाते हुए दिखे, बट ऑल दो मुझे ऐसा लगा कि इट्स स्टिल बेटर देन मेनी फोन्स जो इस बजट में आते हैं, बिकॉज मुझे लग रहा है नियो 7 प्रो बहुत अच्छे से इंडियन स्किन टोन को समझता है, क्योंकि वीवो और ओप्पो ये सारे ब्रांड्स कहीं ना कहीं स्किन टोन्स को काफ़ी अच्छे से कैप्चर करते हैं। बट मुझे एक दिक्कत इसमें लगी कि जो एज डिटेक्शन है, स्पेशली जब पीछे कुछ कन्फ्यूजिंग बैकग्राउंड होता है ना, तो कहीं ना कहीं एज डिटेक्शन बढ़िया नहीं कर पाता। चश्मा भी कई बार एक आध फोटो में इसने फोकस में ले लिया, बाकी में आउट ऑफ फोकस हो
हो गया, तो एज डिटेक्शन मुझे उतना अच्छा नहीं लगा, बट ऑल ओवर डिटेल अच्छी है, स्किन टोन भी बढ़िया है, और सबसे ज्यादा मुझे बढ़िया लगा इसका जो ब्लर इफेक्ट है ना वो ग्रेजुअल है, एकदम से ऐसे कटआउट वाला नहीं होता, धीरे धीरे पीछे जाते हुए ब्लर इफेक्ट करता है। बट मुझे ऐसा लगा कहीं ना कहीं जहाँ पीछे जो बोके बनता है ना, जहाँ गोल गोल कुछ लाइट सोर्स होता है, उसको बहुत आर्टिफिशियल सा बना देता है, तो अगर आप आउटडोर ज्यादा शूट कर रहे हो नेचर में, कहीं ना कहीं जो ब्लर इफेक्ट है वो थोड़ा सा देखने में आर्टिफिशियल लग सकता है। बाकी आप पोर्ट्रेट मोड में भी 2x में जाके फोटोज ले सकते हो, ऑल दो लाइक आउटपुट अच्छा है, ब्लर इफेक्ट बढ़िया मिल जाता है, बट कहीं ना कहीं वही चीज़ है, 2x आप डिजिटली जूम कर रहे हो तो फोटोज उतनी शार्प नहीं आती, मुझे कॉन्ट्रास्ट ज्यादा लगा और ओवर शार्पनिंग भी 2x में काफी ज्यादा हो रही है। उसके बाद हमने इसका 50 मेगापिक्सल भी ट्राई करा है, स्टैंडर्ड कैमरा में आपको 50 मेगापिक्सल का रेजोल्यूशन मिलता है। यहाँ आप कुछ फोटोज देख सकते हो जो आपको जूम इन जूम आउट होते हुए दिखेंगी, ऑल ओवर देखो 50 मेगापिक्सल का बेनिफिट इसमें भी आपको मिलेगा, एंड आई लाइक द फैक्ट कि 50 मेगापिक्सल मोड में प्रोसेसिंग अच्छे से हो रही है, जहाँ हाईलाइट जहाँ शेडोज हैं वहाँ डायनामिक रेंज मेंटेन हो रहा है, एंड ओवरऑल जो शार्पनेस और क्लैरिटी आपको हाई रेजोल्यूशन में मिलना चाहिए वो इस फोन से आपको मिल जाता है। तो अब फोटो से मूव करके थोड़ा सा वीडियो की तरफ चलते हैं, तो आप 4K में अप टू 60 FPS वीडियो शूट कर सकते हो, मैं यहाँ पे आपको कुछ सैम्पल्स भी दिखा देता हूँ। तो ऑल ओवर वीडियो क्वालिटी मुझे बढ़िया लगी, शार्पनेस अच्छा है, ये चीज़ मुझे बढ़िया लगा कि एक्सपोजर फ्लक्चुएशन काफ़ी ऑफन नहीं हुआ, फोकस हंट भी मुझे देखने को नहीं मिला, तो ऑल ओवर क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, साथ ही साथ आपको फोकस बढ़िया मिलता है, कलर्स भी अच्छे पंची निकल के आते हैं जैसे आपको एक नॉर्मल इंसान को वीडियो में चाहिए होते हैं। बाकी बात रही स्टेबलाइजेशन की, तो देखो 4K 60 FPS में आप शूट कर सकते हो, बट वहाँ स्टेबलाइजेशन काफ़ी पुअर है, बट जैसे ही आप 4K 30 FPS पे स्विच करते हो ना, पर्सनली मुझे इस बजट में स्टेबलाइजेशन काफ़ी बढ़िया लगा, फिर चाहे 4K 30 FPS हो, इवन हमने 1080p 60 FPS और 30 FPS में भी वीडियो सैंपल्स लिए हैं, और यहाँ पे आप आउटपुट देख सकते हो कि स्टेबलाइजेशन काफ़ी स्मूथ है, और अगर आप चलते हुए वीडियोस बनाते हो, आप व्लॉगिंग करना चाहते हो, तो आपको रियर कैमरा से काफ़ी बढ़िया वीडियो में स्टेबलाइजेशन मिल जाएगी, और बेस्ट स्टेबलाइजेशन मुझे इसके 1080p में अल्ट्रा वाइड एंगल में मिली, इट्स वेरी स्मूथ, ऐसा लगता है आप गिम्बल लेके चल रहे हो, बट अनफॉर्चुनेटली 4K में अल्ट्रा वाइड का वीडियो में कोई भी ऑप्शन नहीं मिलता। तो अभी हम इसके पोर्ट्रेट वीडियो में सैंपल ले रहे हैं, रेजोल्यूशन 1080p तक जाता है, तो आपको आइडिया लग जाएगा ब्लर इफेक्ट कैसे आ रहा है। एक बार ट्राई करते हैं, अगर मैं फ़ोन आगे लेके आता हूँ तो क्या ये फ़ोन पे फोकस कर रहा है, वापस मेरे ऊपर कर रहा है, या कैसे है इसका डिटेक्शन, वो भी आइडिया लग जाएगा। बाकी इसका जो रिकमेंडेड F2 है उस पर ही हम यूज़ कर रहे हैं, सो दैट जो फ़ोन रिकमेंड कर रहा है उस पर ही शूट करें, तो आइडियली बेटर आइडिया लगेगा कि बैकग्राउंड ब्लर ये कैसे क्रिएट कर रहा है। तो अभी जो आपने सैंपल देखा ना, वो पोर्ट्रेट वीडियो का सैंपल था जो इस फ़ोन से हमने रिकॉर्ड किया था। ये ऑप्शन आपको मिलता है कैजुअल यूज़ के लिए, ठीक है, बट मुझे उतना अच्छा नहीं लगा, एज डिटेक्शन बहुत पुअर था, जैसे ही मैं फ्रेम में मूव कर रहा था तो वो दिख रहा था कि एजेस में जो डिटेक्शन है ना वो अच्छे से प्रॉपर नहीं हो रही, तो अभी भी काफ़ी इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है। अब इस फ़ोन से आप स्लो मोशन शूट कर सकते हो 1080p में अप टू 240 FPS, यहाँ पे आप सैंपल्स देख सकते हो, 240 मिली है कुछ 120 FPS में, बट मुझे कहीं ना कहीं जब मैंने ध्यान से देखा ना, मुझे फ्रेम स्किपिंग लगा और देखने में उतना स्मूथ स्लो मोशन इस फोन से नहीं आता। देन अगर मैं थर्ड कैमरे की बात करूं जो है 2 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा, सैंपल्स आप यहां देख सकते हो, सैंपल्स खुद ही बता रहे हैं कि क्वालिटी बहुत पुअर है, मुझे अभी भी नहीं समझ आता कि फ्रेंड्स 2 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा क्यों देते हैं, उसको हटा के आप दो कैमरा भी दो, बट एटलीस्ट अल्ट्रा वाइड को आप 12 मेगापिक्सल कर सकते हो। अब अगर मैं सेल्फी कैमरा की बात करूं तो आगे की तरफ 13 मेगापिक्सल का हमें सेल्फी कैमरा मिलता है, सैंपल्स आप यहां देख सकते हो, तो ऑल ओवर मुझे ये चीज बढ़िया लगी कि स्किन में शार्पनेस अच्छी है, जितनी रिक्वायर्ड है उतनी है, ओवर शार्पनिंग नहीं हो रही, ना ही स्मूथनेस आ रही है, स्किन टोन भी काफी अच्छे से मेंटेन हो रहा है, अगर आप नेचुरल लाइट में शूट कर रहे हो तो आपको देखने में स्किन टोन काफी नेचुरल साइड पे लगेगी। और यहाँ पे मैं कुछ पोर्ट्रेट मोड में सेल्फी के भी सैंपल्स दिखा देता हूं, तो यहाँ पे भी वही एज डिटेक्शन का थोड़ा सा इधर उधर है, अगर बाल आपके थोड़े अनइवन है, चश्मे को कभी कभार फोकस में रखता है कभी नहीं रखता, बट अदरवाइज जो शार्पनेस है और जो ब्लर इफेक्ट है, इवन जो आउटपुट सेल्फी का, दैट इज गुड इनफ। अब लास्ट में बात करते हैं लो लाइट परफॉर्मेंस की, तो यहाँ पे आप कुछ फोटोज देख सकते हो स्टैंडर्ड में जो शूट हुई है, एक चीज बढ़िया है कि जब एकदम अंधेरा भी होता है ना तो काफी अच्छे से डिटेल निकाल के आ रहा है, तो अगर आप नाइट मोड में शूट करने वाले हो जहाँ आपको लग रहा है काफी अंधेरा है, तो ये शेडोज में बहुत अच्छे से डिटेल्स रिकवर कर देता है, बट उसी के साथ साथ वो जो शेडो वाले एरिया है वहाँ पे डिटेल लॉस होगा जो नॉर्मली किसी भी नाइट मोड में होता है। बट ये अच्छी चीज है कि अगर आप ब्लू आर के टाइम भी शूट कर रहे हो ना, जब थोड़ा सा अंधेरा होना शुरू होता है उस टाइम पे आपका स्काई अच्छा से निकल के आएगा और जो शार्पनेस और डिटेल है वो काफी बढ़िया आती हैं।
बट अगर मैं अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा की बात करूं तो वहां मुझे जो रिजल्ट है वो एवरेज लगा। ऑल्दो ये शैडो एरिया में डार्क एरियाज में डिटेल निकाल के आता है बट वो बहुत ही सॉफ्ट है, उसमें कुछ टेक्सचर नहीं होता। तो अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा में जो लो लाइट परफॉर्मेंस है दैट इज आई वुड से एवरेज। तो ये था IQ Neo 7 Pro का कैमरा टेस्टिंग वीडियो। आई होप आपको अच्छे से सैंपल्स दिखे, आप भी अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हो। अब इसका कैमरा कंपेरिजन किसके साथ करना है वो आप कमेंट करके बताना, हम ट्राई करेंगे 2 से 3 दिन में वो वीडियो आ जाए। अब अगर मैं अपने कंक्लूजन शेयर करूं, 30 से 35 हज़ार के बीच में अगर आप एक कैमरा फ़ोन देख रहे हो, IQ का हमेशा से ही कि रेपुटेशन रहा है कि कैमरा बहुत अच्छा होता है, तो मुझसे प्राइमरी कैमरा काफ़ी अच्छा है बट अल्ट्रा वाइड मुझे उतना बढ़िया नहीं लगा। वीडियो भी इट्स गुड बट आई वोंट से कि ऑल ओवर जो है पैकेज है दिस इज़ बेस्ट अंडर 35,000। तो जब मैं कंपेरिजन करूँगा मैं और डिटेल आपके साथ शेयर करूँगा। बाकी आपको अगर सैम्पल देखने हैं गूगल ड्राइव लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप खुद से चेक कर सकते हो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक टेक केयर एंड कीप क्लिकिंग।